नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नसरुल्लागंज, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में खुद व खुद अनाधिकृत रूप से पुल का उद्घाटन करने के बाद वर्मा के विरुद्ध FIR दर्ज होने से इन दिनों सियासत काफी गरमाई हुई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा पूर्व मंत्री के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री के विरुद्ध राजनीतिक द्वेषता के कारण मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। जबकि उस पुल पर से लगभग मेरे ख्याल से 7 से 8 दिन पहले से आवागमन चालू था। मैं खुद जाता हूं रोज अपने गांव इटावा, मैं उस खुद पुल उस पर से गया हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय रोज उस पुल पर से आते हैं जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन के अधिकारी उस पर से जाते हैं, लेकिन परसों हमारे पूर्व मंत्री महोदय गए तो उनके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम हो गया। पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नसरुल्लागंज गोपालपुर लाड़कुई के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के महोदय के नाम पर अनुभागीय अधिकारी महोदय को सौंपा है। इसमें हम परसों गोपालपुर थाने में हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व लोक निर्माण मंत्री माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा के विरुद्ध राजनीतिक द्वेषता के कारण एक झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया। उस पुल को लेकर कहा है कि इस पुल का उन्होंने उद्घाटन किया, जबकि उस पुल पर आवागमन पिछले 8 दिनों से चालू है। माननीय मंत्री महोदय भी उसी से निकल के गए, इसमें क्या उद्घाटन और क्या नहीं उद्घाटन हुआ। लेकिन उसके बाद भी हमारे माननीय पूर्व मंत्री महोदय के विरुद्ध गोपालपुर थाने में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और उसमें 7-8 अन्य लोग भी लिखे हुए हैं। लेकिन हमने आज मांग की है कि उस मुकदमे को तुरंत ही वापस लिया जाए, अन्यथा अगर वापस नहीं लिया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, इसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।